कि मैं YouTube छोड़ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, बीबॉयज अब YouTube क्विट कर रहे हैं, यानी बीबॉयज अब YouTube छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो YouTube लगायत Facebook हो या Insta हो, अब वो नहीं दिखेंगे। ऐसा मैंने नहीं कहा है, ऐसा बीबॉयज ने कहा है। इसका पीछे का रीज़न क्या है, आइए जानते हैं। जाने से पहले इस भाई का नाम भी जान लो। हाय दोस्तों, मैं सुशील छेत्री और मेरी चैनल में स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो हमारे नॉर्थ ईस्ट आसाम में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने अपने फेमस है, अपने एक्शन से लेकर और अपने धासु परफॉर्मेंस से लेकर अपने अपने एक अव्वल हासिल किया है। ऐसा ही एक यूट्यूबर से बीबॉयज, जो उसका पूरा नाम है संजय बोरो, वो बहुत ही कम समय में अपने एक्शन और अपने तजुर्बा और अपने बोलने का स्टाइल्स और एक पागलपना और साथ में उससे सबसे एक फेमस BMW साइकिल को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। वो तकरीबन एक साल के अंदर उसने यूट्यूब जगत में एक भूचाल ला दिया है, यानी उसने एक साल के अंदर अंदर उसने 633,000 सब्सक्राइबर हासिल किया है। ये बहुत बड़ा एक हासिल है जो अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है। संजय बोरो दरअसल आसाम के BTR क्षेत्र, बोरो टेरिटोरियल रीजन के बक्सा जिले के गोरेसर का रहने वाला है। वो बोरो कम्युनिटी से आता है। वो बहुत ही छोटा लड़का है और उसका एक्शन, उसका पागलपना आप देख के आपको भी आश्चर्य होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे उसके वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किए होंगे और उनको देखते हैं, जो उनके वीडियो में देखने के जो मज़ा आता है। और बाकी यूट्यूबर्स में आप जाने लगे होंगे मैं किस बात कर रहा हूँ। संजय बोरो एक छोटा सा और गरीब खानदान से आता है और एक बोडो कम्युनिटी के होने के चलते उसने पहले YouTube चैनल बोडो लैंग्वेज में किया था, मतलब उसका अलग चैनल जो बोडो लैंग्वेज में है, लेकिन वो इतना खास चला नहीं है। जब उसने हिंदी लैंग्वेज से दूसरा YouTube चैनल शुरू किया तब उसका वीडियो वायरल होना शुरू कर दिया है और आज एक साल के अंदर ही 633,000 सब्सक्राइबर हासिल कर चुका है। ये बहुत ही गर्व की बात है। मैं उनको बहुत सारे बधाई देता हूँ और आगे भी और बधाई देता रहूँगा। लेकिन आज तकरीबन 15 दिन हुआ है जो उनका वीडियोस नहीं आ रहे। हो सकता है आपके बीच में भी ये चर्चा परिचर्चा हो रहा होगा कि बीबॉयज का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, हम लोग उसका जो जंगल का सेकेंड पार्ट है क्यों नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है उनके पास बहुत सारे SMS DM के थ्रू, इंस्टा के थ्रू चले गए होंगे, लेकिन उसने एक YouTube में वीडियो जारी कर बता दिया है। क्या बता है आप खुद ही देख लो। हालत ये है मेरा गाइस, कुछ दिनों के लिए YouTube को छोड़ रहा हूँ, पूरे लाइफ के लिए नहीं है, कुछ दिन के लिए मैं YouTube से गायब रहना चाहता हूँ। तो गाइस YouTube ही नहीं, पूरा सोशल मीडिया से मैं थोड़े दिन के लिए गायब रहना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत सारा टेस्ट करवा लिया, मैंने अल्ट्रासाउंड भी कर लिया क्योंकि पेट में बहुत सारा दर्द था, तो मैंने इसलिए अल्ट्रासाउंड कर लिया गाइस। देन मैंने बहुत सारा ऐसे किया है, मैंने ब्लड टेस्ट भी करवा लिया है ताकि कुछ प्रॉब्लम ऐसे ना रह जाए। तो और दो टेस्ट करवाना है बाकी रह गया है, डॉक्टर ने बोला है कि वो दो टेस्ट आप करवा लीजिए। तो मैं वो दो टेस्ट करने के लिए कल जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। तो इन कुछ दिनों के लिए मैं YouTube से गायब गाइस, फिर से आऊँगा, धमाका धूम मचाएंगे हम सब मिलके। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खेल खिलाते रहिए गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने पूरा वीडियो देखे होंगे कि बीबॉयज यानी संजय बोरो अपने शरीर, अपने बीमार को लेकर थोड़ा सा टेंशन है और उसने बहुत सारे टेस्ट भी करवा लिया है, लेकिन आज 15 दिन हो गया है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम के चलते, हो सकता है कुछ अंदरूनी बीमार के चलते वो YouTube नहीं शुरू किया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। अपने शरीर और अपना जान से लेकर बढ़कर ये YouTube नहीं है। हम उम्मीद करते हैं एज ए व्यूज और एज ए सब्सक्राइबर, एज ए फैन, उनके शरीर में उनके जो बीमार हैं उनका जो शरीर सुधार हो जाए और पहले से जैसा ही हो जाए,
जो हमें इंटरटेनमेंट करे और फिर एक यूट्यूब जगत में आकर एक भूचाल पैदा करे और लोगों को हंसाए मुस्कुराए। और बस यही चाहते हैं कि भाई आप जल्दी से ठीक हो जाओ, हमें आपका बहुत ज़्यादा फिक्र है और उम्मीद है आप जल्दी ठीक हो जाओगे और हमारे बीच में आकर ये मैसेज दोगे कि आज मैं धांसू वाला वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। ये सुनने के लिए, उनका धांसू वाला स्टाइल सुनने के लिए हम सारे आपके इंतज़ार में खड़े हैं। तो भाई जल्दी से अपने एक्टिव हो जाओ और अपने जो बीमार हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और भगवान से यही दुआ करते हैं कि उनके जो भी बीमार है वो जल्दी से ठीक हो जाए। और बीवाइस संजय बोरो भाई हमारे बीच में आए और हम उसको काफ़ी सारे प्यार दे पाए, बस यही कामना करते हैं भगवान से कि जल्दी से वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों यही वीडियो था, हो सकता है आपकी आप भी उन्हीं के इंतज़ार में होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर जो भी लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। क्या आप बीवाइस के फैन हैं, क्या आप बीवाइस को जानते हैं? अगर जानते हैं तो उसके बारे में एक बात है जो सबसे अच्छी बात ज़रूर लिखना। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।